आजमगढ़ से। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भाईचारा कार्यकर्ता बैठक एवं कैंडल कैंप केवी इंटर कॉलेज मार्टिनगंज आजमगढ़ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उमा शंकर सिंह विधायक रसनाथ रहे। इस दौरान उमा शंकर सिंह ने बताया कि 2022 में बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विशिष्ट अतिथि सांसद लालगंज संगीता आजाद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बार भूपेंद्र सिंह मुन्ना 350 विधानसभा दीदारगंज से विधायक बनकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक भूपेंद्र सिंह मुन्ना रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आजाद हरिमर्दन विधायक लालगंज, हरीश चंद्र गौतम, इंदल राम, विनोद चौहान, हाफिज इरशाद, पूर्व विधायक अरुण पाठक, विजय कुमार, सिकंदरा कुशवाहा, अशोक राजभर, अरविंद कुमार जिला अध्यक्ष आजमगढ़ रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित नजर आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय प्रताप पूर्व MLC मुख्य सेक्टर प्रभारी ने की और यह कार्यक्रम भूपेंद्र सिंह मुन्ना के नेतृत्व में की गयी। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। इसी दीदारगंज विधानसभा से उन्ना काउंसिल से लड़ा और 37,000 वोट पाया था। जब मैं उन्ना काउंसिल से लड़ के 37,000 पा सकता हूँ तो आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों और बहुजन समाज पार्टी का कारना हमारे साथ है। तमाम पदाधिकारियों का आशीर्वाद है, उमा शंकर भैया का आशीर्वाद है, बहन जी का आशीर्वाद है। आज कामना आगे बढ़ चुका है। 2017 हम लोग सदर में भी मेरे बहुत मर्यादित चुनाव रहा। पिछले चुनाव के बाद भी मेरा चौथा चुनाव रहेगा। जब आदमी कई बार परीक्षा देता है, फेल होता है, कंपटीशन देता है, इंटरव्यू तक जाता है, उसके बाद बार बार संघर्ष करके जब वो कोई परीक्षा पास करता है तो उसका स्वाद अलग ही होता है। मेरे दोस्तों बहुत संघर्ष किया हूँ लेकिन आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैं 5-5 साल से इतना में प्रमुख और जिला पंचायत का संचालन कर रहा हूँ, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, बहन जी का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद है, मौका मिला तो मैं उमा शंकर भैया का छोटा भाई हूँ, इनकी भी नकल करूंगा और बताऊंगा कि विधानसभा में जनता के बीच कैसे रहा जाता है, कैसे सहयोग किया जाता है, भाई बेटे की तरह कैसे ईमानदारी से खड़ा रहा जाता है। जो हमारे साथी आए हैं कर्मचारी पेंशन के लोग, क्रांतिकारी साथी भाई क्रांति सिंह के नेतृत्व में आपके विषय में बहुत सारी बातें सदन में भैया ने उठाया, नेता प्रत्यक्ष बनूंगा शंकर जी, लेकिन अगर विधानसभा में जाने का मौका मिला तो मैं आपकी आवाज बनके सदन में आपकी आवाज बनके पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए खुद मेरी अपनी सरकार बनेगी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन विपक्ष की भी कोई परिस्थिति आई तो हम लोग सदन में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से साइलेंट में स्थिति चल रही है, जिस तरह से अबू सलाम जैसे लोगों को, ईमानदार व्यक्ति को, जमीन से जुड़े व्यक्ति को बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है, तो आने वाले समय में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी बनाया गया है, बहन जी की सरकार बनेगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पेंशन बहाल होगी, आपकी लड़ाई बिना लड़े आपकी जिम्मेदारी हम स्वीकार करते हैं। इसी तरह से ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए